अनएम्प्लॉयमेंट एक और मुद्दा जो है आ, उसकी वजह से जैसे शरद पवार ने कहा कि इट्स बिकम अ सोशल क्राइसिस लोग लड़कियाँ नहीं दे रही दे रहे हैं फॉर मराठी मैन बिकॉज देर आर नो जॉब्स इन महाराष्ट्र उन्होंने कहा आपकी सरकार ने कहा कि सेवेंटी फाइव थाउजेंड गवर्नमेंट जॉब्स देंगे वेयर इज दैट पोजिशन नाउ देखिए हमने सेवेंटी फाइव थाउजेंड कहा था लेकिन अभी हमारी जो पूरी प्रोसेस शुरू हुई है सो वी मे क्रॉस मोर देन हंड्रेड थाउजेंड हम एक लाख से ऊपर जॉब्स देंगे हमारी प्रोसेस चालू हुई है अट्ठारह हजार तो अभी हमने पाँच छह हजार को तो दे दिया है अठारह हजार का अभी हम लोग करीब करीब हमारा हो रहा है तो हम वो करेंगे लेकिन दैट्स नॉट ए सोल्यूशन हाँ वो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देखिए दो चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में आज सर्विस सेक्टर ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और महाराष्ट्र हैज़ ऑलवेज बिन अ इंडस्ट्रियल हब तो महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है अभी आप देखिए कि व्हाट इज अ इंडिकेटर भाई आप कहते हैं तो व्हाट इज अ इंडिकेटर द बिगेस्ट इंडिकेटर इज ई अकाउंट्स अभी देश में सबसे ज्यादा ईपीएफओ अकाउंट्स महाराष्ट्र में खुले पिछले पांच सालों में सबसे ज्यादा हाइएस्ट नंबर ऑफ ईपीएफओ अकाउंट्स और वो चल रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि खुल गया और बंद है तो दैट मीनस दोस्त पीपल आर एम्प्लॉयड महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी के मुद्रा योजना से 41 लाख लोगों को लोन मिला है 41 लाख तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो 41 लाख कर रहे हैं कोई ना कोई जॉब कर रहे कोई ना कोई अपना धंधा कर रहे हैं है। तो इसलिए ये रिथोरिक कि भाई यहाँ पर लड़कियां नहीं मिल रही गलत है बिल्कुल गलत है ये देखिए दो चीजें मतलब एक हमारा फैशन है हमारे देश में महंगाई पे बोलना और बेरोजगारी पे बोलना ऐसी परिस्थितियां आती है देखिए जैसे कोविड के समय आई थी चली गई कभी कभी इंटरनेशनल क्राइसिस के कारण किसी चीज़ के भाव बढ़ जाते हैं कुछ समय के लिए होता है वापस नीचे आता है मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है वो दुनिया में एक मैं ऐसा मानता हूँ कि एक मॉडल है क्योंकि आप देखिए कोविड के बाद दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं इन्फ्लेशन से परेशान है और रिटेल इन्फ्लेशन से भी परेशान है लेकिन हमारा देश ही एक ऐसा देश है कि जो उसके ऊपर काबू कर पाया है मैं यह नहीं कहता कि हर चीज सस्ती हो गई है लेकिन दुनिया में जब चीजें बढ़ती है ऐसे समय हम अगर काबू रख सकते हैं और देखिए इतना ही नहीं है, अभी कल प्रधानमंत्री जी ने यूरिया के जो रेट्स है तीन साल के लिए उसको सब्सिडी बढ़ा दी आज यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस के कारण यूरिया के दाम तीन गुना बढ़े हैं इंटरनेशनल मार्केट में और वो तीन गुना बने हुए दामों को उसके बावजूद उसके बावजूद किसानों पर साढ़े तीन लाख करोड़ रुपया लगेगा विचार नहीं किया उसका तो इसलिए जहाँ आवश्यक है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी सही फैसला लेते हैं इसलिए कोविड के बाद दुनिया क्राइसिस में है हम क्राइसिस से बाहर आ रहे हैं